सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले वर्क एंड टाइम के सम्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर इसके बारे में बात नहीं की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी क्वेश्चन की जो पैटर्न होती है ना, वो सेम होती है, मतलब उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनता जाता है। बट आपको उसकी अगर मेथड पता चल गई तो आप उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी पूछे, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं जो आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ जिस क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले एक बात बताऊँ आपको, जो एक फॉर्मूला होता है जो आपको इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है। वो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, वो क्या है, वर्क डन। मतलब वर्क डन मतलब जितना भी काम हुआ है, और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप W से, इज इक्वल टू डी एम टी एंड ई, ठीक है। ये क्या है, डी क्या होगा, डी होगा यहाँ पर डेज, और ये डेज क्या होता है और ये सब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम सम करेंगे। एम क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो मैन, वुमेन एंड पंप्स, और भी बहुत सारी चीज होती है जिससे हम एम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये टी हो जाएगा टाइम, ई हो जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए, डी मतलब डेज, एम मतलब मैन वुमन पंप्स या कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि 10 लोग एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो यहां पर 10 लोग मैंने कहा, तो वो क्या हो जाएगा, इन चारों में से एम हो जाएगा, और 10 दिन में करते हैं मतलब वो डेज हो जाएगा, तो एम भी 10 होगा और डी भी 10 होगा, ठीक है। 10 लोग एक काम को 10 दिन में करते हैं। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, 10 लोग डेली 10 आवर काम करके एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, 10 लोग मतलब एम, 10 आवर काम करके, डेली 10 आवर काम करके, मतलब यहां पर एक और टर्म जुड़ गया, वो है टाइम, 10 आवर, ठीक है। आवर हो सकता है, यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में मिनट दिया है तो मिनट लिख सकते हो, ठीक है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 दिन में खत्म करते हैं। अभी एफिशिएंसी क्या है, होप कि आपको डेज मेन और टाइम समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा 10 लोग, 10 पीपल, ठीक है। अब इसमें से एक की कैपेसिटी है, मान लीजिए 5 यूनिट, मतलब वो एक काम को 5 दिन में करता है। अब दूसरा ही कोई है इसमें से 10 में से, वो उसी काम को 4 दिन में करता है, देखिए, ठीक है। ये 5 दिन में, ये 4 दिन में काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी में डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तीसरा कोई है, वो करता है 8 दिन में, उसी काम को 8 दिन में करता है, तो यहां पर देखिए दूसरे की एफिशिएंसी क्या होगी, एक काम को 4 दिन में करता है और ये एक काम को 8 दिन में करता है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी ना, E3 इज इक्वल टू 2E2, समझ में आ रहा है बात, इसकी इससे डबल होगी। देखिए एफिशिएंसी, मतलब ये जो काम करेगा उससे डबल टाइम में ये काम करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी के बारे में आपको बहुत कम क्वेश्चन में पूछा जाता है, पर फिर भी पूछा जाता है, आपको याद होना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ याद रख लिया आप, डी एम टी ई। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 दिन और 10 लोग ही दिए है, तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले में, डी और एम का, टी और ई को हम इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 चीज दी हुई है, डी, डेज, मैन एंड टाइम, तो इन तीनों का, और अगर चारों चीज दिए तो इन चारों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जितने भी चीज दी होगी उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है, अगर 10 लोग, 10 मैन एक काम को पूरा करने में 10 दिन लगाते हैं, तो फिर 25 मैन या फिर 25 पीपल उसी काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो है, आपको दिया क्या है, देखिए यहाँ पर मेन दिया हुआ है और डेज दिया हुआ है, सिर्फ दो ही चीज दी हुई है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज है हम सिर्फ यही दो इस्तेमाल करेंगे, डी एम, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल, अगर इसको केस 1 हम लिखे और इसको केस 2, आपको क्वेश्चन तो समझ में आया ना, 10 लोग एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे 10 मेन की जगह 10 वुमन भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और यहाँ पर केस 1 है तो उसको हम लिखेंगे D1 M1, मतलब इस केस 1 का मैन और डेज इज इक्वल टू D2 और M2, दूसरा केस D2 और M2, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर दिया है 10 मैन 10 डे और 5
अवर्स दिया होता तो यहां पर टी वन आ जाता और यहां पर टी टू आ जाता, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। इन दोनों केस हमेशा इक्वल होंगे तभी वर्क सेम होगा। और यहां पर अगर आपको कंडीशन नहीं दिए तो मैं आपको बता दूं, वर्क डन हमेशा सेम ही होगा, वो आपको कभी भी दे दिया जाएगा, पर आपको ये अज्यूम कर लेना है, ठीक है। मतलब ये W हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये D1M1 इज इक्वल टू D2M2 हो जाएगा। अब D1 क्या है, यहाँ पर दिन कितने दिए हुए पहले केस में 10, मैन कितने हैं 10, इज इक्वल टू D2, हमें ये फाइंड आउट करना है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। M2 क्या है, मतलब दूसरे केस में कितने मैन है 25, तो D2 क्या होगा 10 × 10 100 डिवाइड बाई 25, तो आएगा 4 days, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, 10 लोग एक काम को करने में 10 दिन लगाते हैं तो 25 लोग उसी काम को करने में सिर्फ 4 दिन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया। अगर एक चीज में बताऊं जो आपको इसमें याद रखना है, वो ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू DMTE, अगर ये आपको पता है तो इसके बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।